ऐसे क्यास लगा रहे थे कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के समय नशे का काला कारोबार सोलन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कारोबार अपनी जड़ें सोलन में इतनी गहरा चुका है कि कर्फ्यू के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस काले कारोबार से जुड़े लोग युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अभी भी शहर में आवश्यक सामग्री पहुंचाने वाले वाहनों का सहारा लेकर या फिर पैदल चलकर ही चिट्टे की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सोलन पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एएसपी शिव कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति तार फैक्ट्री की समीप, जिसका नाम अजय रॉबर्टसन है, बैग लटकाकर पैदल शहर की ओर आ रहा था, जिसे पुलिस ने उसका शहर आने का कारण पूछा और उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से चिट्टा बरामद हुआ है। साथ में एक बैंक मशीन भी मिली है। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई है। तार फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति पैदल आता हुआ मिला, जिसका नाम अजय रॉबर्टसन है और इसकी एज जो है वो 31 ईयर्स ओल्ड है ये, और ये दिव घाट का रहने वाला है। इसके पास ये थोड़ा, जब इसको पूछा गया कारण कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, तो थोड़ा हड़बड़ा गया। इसके पास एक काले रंग का बैग था और जब गांव के सामने इस बैग की तलाशी ली गई तो इसमें से 5.40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ और साथ में उसके साथ एक वेइंग मशीन थी, दो रोल किए हुए 10-10 के नोट थे। इसमें भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जो ये हीरोइन है इसको कब्जा में ले लिया गया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।